वेलकम टू आर पेन। आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में। ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर आप कोई भी मैनेजमेंट कोर्स कर रहे हो, या फिर आप ट्रेड यूनियन के बारे में पढ़ रहे हो, या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ रहे हो, तो ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बहुत बेसिक है, बट आपको इसका कोर कॉन्सेप्ट पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, आज हम इन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, कॉजेस, क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड डिस्प्यूट मैनेजमेंट। पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। डिस्प्यूट होता क्या है? ये बहुत कॉमन वर्ड है, हम लोग यूज़ करते हैं अपनी रेगुलर लाइफ में, या फिर आपने कभी सुना होगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में। तो ये क्या होता है? डिफरेंसेस होते हैं। आपका कुछ इंटरेस्ट है, मेरा कुछ इंटरेस्ट है, हम लोग साथ में काम करेंगे और हम लोग का इंटरेस्ट मैच नहीं कर रहा है, तो समवेयर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं। तो उसे हम लोग डिस्प्यूट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, या फिर डिसएग्रीमेंट। आप किसी बात पे अग्री करते हो, किसी बात पे मैं अग्री करती हूँ, और वो दोनों सेम पॉइंट नहीं है, तो हम लोग डिसएग्री हो जाएंगे, वहाँ पर डिस्प्यूट, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की। अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी पार्टीज़ होती हैं, वर्कमैन हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, सप्लायर हो गए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर हो गए, एम्प्लॉई एम्प्लॉई हो गए, तो इन सब के बीच में कभी ना कभी ऐसा टाइम आता है कि उनके इंटरेस्ट मैच नहीं करते हैं, या फिर उनका जो उनका जो मोटिव है वो मैच नहीं कर रहा, उनके बिलीव मैच नहीं कर रहे हैं, तो वो हमेशा आउटकम कर जाते हैं ग्रीवेंसेस में, डिस्प्यूट्स में, कॉन्फ्लिक्ट में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की बात करते हैं तो इसमें एक बड़ा मेजर ग्रुप इसमें इन्वॉल्व होता है, पूरा वर्कमैन इन्वॉल्व है, या फिर एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ वर्कमैन इन्वॉल्व है, तो वो हो जाता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ओके, जब इंडिविजुअल डिस्प्यूट की बात करते हैं, जैसे मुझे वेजेस नहीं मिले, मैं किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रही हूँ, मुझे वेजेस नहीं मिले, और मैं कुछ जाकर कहती हूँ कि नहीं मुझे वेजेस नहीं मिले, तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, वो ग्रीवियंसेस हो सकती है, वो डिस्प्यूट नहीं होगा। पर एक क्लास ऑफ वर्कर, अगर उनको कोई दिक्कत होती है, उनको वेजेस नहीं दिया जा रहा है, अगर वो ओवर टाइम उनको नहीं दिया जा रहा है, और वो कोई इशू वो कहते हैं जाकर कि नहीं मुझे चाहिए, और वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं, तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा। अब एक हमारे इंडिया में इंडियन डिस्प्यूट एक्ट है, आईडी एक्ट 1947, उसमें पूरा बताया गया है कि किस किस टाइप के डिस्प्यूट्स होते हैं, कैसे आप रिजॉल्व कर सकते हो डिस्प्यूट को, कॉजेस क्या क्या होते हैं। तो उसके अंदर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, चलिए देखते हैं। द टर्म इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मीन एनी डिस्प्यूट और डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, और बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, और बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन। जैसे मैंने बताया, ये किसी भी पार्टीज़ के बीच में अगर कोई भी डिफरेंसेस आ रहे हैं, उसे हम डिस्प्यूट कहेंगे। विच इज़ कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयमेंट, वो आपका जो डिस्प्यूट है, वो डिस्प्यूट का कॉज एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, नॉन एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, और टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो टर्म्स एंड कंडीशन हम लोग देते हैं। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे तो कुछ उसके टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, जैसे आपको 5 डे वर्किंग है, आपको अगर इतना ओवर टाइम करोगे तो इतने रेट पे आपको पैसे दिए जाएंगे, इतने हॉलीडेज़ मिलेंगे आपको। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन होती है एम्प्लॉयमेंट का। अगर उसके रिगार्डिंग भी किसी पर्सन को, किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को इश्यूज़ होते हैं और वो कोई एक्शन लेता है, तो उसे हम डिस्प्यूट कहेंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे डिस्प्यूट क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है। आगे देखते हैं कॉजेज, अब होते क्यों हैं, ये डिफरेंसेस आते क्यों हैं, कौन कौन से डिफरेंसेस हो सकते हैं। इकोनॉमिकल हो सकता है, नॉन इकोनॉमिकल होता है। इकोनॉमिकल उनको पैसे नहीं दिए जा रहे, वेजेस नहीं दिए जा रहे, बोनस नहीं दिए जा रहे, डीए नहीं दिया जा रहा है, कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपका सही नहीं है, वर्किंग आवर बहुत ज़्यादा आप काम करवा रहे पर उसके अकॉर्डिंग पे नहीं कर रहे हो, लीव एंड द हॉलीडे विद पे, जो आपको एनुअल लीव विद वेजेस मिलती है वो नहीं दी जा रही, जो आपका हक है। क्योंकि फैक्ट्रीज एक्ट में, अगर आप एक्ट्स का थोड़ा बहुत भी आपको नॉलेज है, तो फैक्ट्रीज एक्ट में एनुअल लीव विद वेजेस को डिफाइन किया गया है और कहा गया है कि अगर वो बंदा 20 डेज आया है, वर्किंग है,
तो उसको एक एनुअल लीव विद वेजेस के लिए एंटाइटल होता है अगर उसने लास्ट ईयर 240 डेज वर्क किया है। तो अगर मान लीजिए आपने इतना सब कुछ, आप सारी कंडीशन फुलफ़िल करते हो, तब भी आपको नहीं दिया जाता है, तो सिंपल सी बात है डिफरेंसेस आएंगे, और अगर डिफरेंसेस आएंगे तो डिस्प्यूट कॉज होंगे ही। तो ये भी रीज़न हो सकता है। अनजस्ट डिसमिसल ऑर्डर रिट्रेंचमेंट, आपको मतलब जस्टिफाई नहीं किया गया, बस आपको निकाल दिया गया कि नहीं आप कल से मत आओ। तो ये सारी चीज़ें आपका डिस्प्यूट क्रिएट कर सकती हैं किसी एक इंडस्ट्री में। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन इकोनॉमिकल स्ट्राइक की। नॉन इकोनॉमिकल स्ट्राइक या फिर आप नॉन इकोनॉमिकल कॉसेस कह सकते हैं, सॉरी मैंने गलती से स्ट्राइक लिख दिया यहाँ पर, वो क्यों होगा? रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, आपने ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, विक्टिमाइज कर रहे हैं आप, विक्टिम बना रहे हैं वर्कर्स को, या फिर आप उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इल ट्रीटमेंट ऑफ सुपरवाइजरी स्टाफ, आपका जो सुपरवाइज़र है वो आपको बहुत गंदी तरीके से ट्रीट कर रहा है, आपको रिस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं कर रहा है। सिंपैथी स्ट्राइक, एंड ये सब अलग अलग कॉजेज़ होते हैं, पॉलिटिकल कॉजेज़ होते हैं। आप कोई सिंपैथी स्ट्राइक में थे, मतलब आप क्या एम्प्लॉयर कुछ नहीं कर रहा, वो आपसे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा है, पर आप ही की इंडस्ट्री में दूसरा एम्प्लॉयर है और वो अपनी एम्प्लॉइज़ को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, उन्होंने स्ट्राइक पे चले गए, आप भी उनको सिंपैथी के नाम पे उनके स्ट्राइक में आप चले गए, तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो समवेयर आपके में डिफरेंसेस आ जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स किस किस टाइप के होते हैं, कैसे कैसे टाइप के डिस्प्यूट हम देख सकते हैं? तो सबसे बेसिक टाइप होता है इंटरेस्ट डिस्प्यूट, जिसे हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं। मतलब कि आप लाइक ऑर्गेनाइजेशन में क्यों ज्वाइन करते हो? क्योंकि आपका एक इंटरेस्ट होता है कि आपको पैसे कमाने हैं, आपको ये पोजीशन लेनी है, तो वहाँ पे अगर आपका इंटरेस्ट हम नहीं ले पा रहे हैं, वो इंटरेस्ट में इशू आ रहा है, लाइक आपको पैसे कम दिए जा रहे हैं, आपका इंटरेस्ट नहीं बना पा रहे हैं, दोनों का इंटरेस्ट होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों की बात कर रहे हैं, हम दो पार्टी में डिस्प्यूट होता है, दोनों की इंटरेस्ट की बात करेंगे। अगर उसमें कुछ इशूज़ आते हैं, उसमें आपका डिफरेंसेस हो जाते हैं, उसमें आप अग्री नहीं करते हो, तो आपका इंटरेस्ट हो जाता है। ग्रीवियंसेस एंड राइट डिस्प्यूट, इसमें अगर आपको आपका हक नहीं मिलता है, जैसे लाइक कुछ कंडीशन थी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, आप इतना ज़्यादा टारगेट अचीव कर लोगे तो हम आपको ट्रांसफ़र दे करेंगे, सॉरी ट्रांसफ़र नहीं, प्रमोशन देंगे। तो अब उस एम्प्लॉय ने या फिर उस क्लास ऑफ एम्प्लॉयज़ ने सारे टारगेट अचीव कर लिए, और अब वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि उसको प्रमोशन मिलेगा या फिर उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा? बट नहीं होता है, एनी केस नहीं होता है। तो क्या होगा, उनका वो राइट था बट उनको आप नहीं दे रहे हो, तो ये आपका अगर यहाँ पे डिफरेंसेस आते हैं तो इसे हम कहेंगे कि ये क्या कहते हैं, ग्रीवियंसेस या फिर राइट डिस्प्यूट्स हैं। ठीक है, अब आते हैं इसमें जो आप ट्रांसफ़र इसकी बात कर रहे हैं राइट डिस्प्यूट की, इसमें आपका डिमोशन हो सकता है, ओवर टाइम, टाइम पेमेंट, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, डिस्प्यूट इन्वॉल्व अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, लेबर का अनफेयर जो प्रैक्टिसेस हो रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उससे अगर डिस्प्यूट आपका हो रहा है, लाइक किसी बंदे ने जाकर ट्रेड यूनियन ज्वाइन कर ली, ठीक है, आपकी इंडस्ट्री में एक ट्रेड यूनियन बनी है, वहाँ पे वो जाके ज्वाइन कर लेता है, अब आप एज ए एम्प्लॉयर आप सोचते हो नहीं वो ट्रेड यूनियन ज्वाइन कर लिया तो उसको मैं कोई भी ट्रांसफ़र नहीं दूंगा, कोई भी उसका प्रमोशन नहीं करूंगा, उसको कोई इंक्रीमेंट नहीं दूंगा। तो अगर ट्रेड यूनियन मेंबर के साथ अगर आप ज्वाइन करने के बाद आपको वो किया जा रहा है, आप सर इल ट्रीटमेंट हो रहा है या फिर मिसबिहेवियर हो रहा है, तो ये आपका ये हो जाता है डिस्क्रिमिनेशन, अगर आपको किया जा रहा है तो आपका जाता है डिस्प्यूट इन्वॉल्व अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। ओके, अब आता है रिकॉग्नाइज डिस्प्यूट, इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो लाइक कुछ कुछ इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, दो तीन ट्रेड यूनियंस हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन से आपका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बार्गेन करता है या फिर नेगोशिएट करता है, तो वहाँ पे इश्यूज आते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, अ डिस्प्यूट विद अ मैनेजमेंट ड्यूरिंग द नेगोशिएशन और कलेक्टिव बार्गेनिंग फॉर द प्रॉफिट ऑफ इट्स मेंबर एम्प्लॉय, तो वहाँ पे आपका कोई इशू आ रहा है, वहाँ पे कुछ हो रहा है, तो आपका हो जाएगा रिकॉग्नाइजेशन डिस्प्यूट। ठीक है, मतलब रिकॉग्नाइज करने में उनको डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हैं। अब ILO के बारे में आप जानते हो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसके
मतलब कि उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि डिस्प्यूट दो टाइप के होते हैं। ये तो मैंने जनरली बता दिया कि इतने इतने टाइप के डिस्प्यूट होते हैं, पर जैसे लाइक कोई एक्ट के अंदर किसी चीज़ का डेफिनेशन होता है, एक जनरल डेफिनेशन होता है, एग्जैक्टली वैसे वो जनरल टाइप्स थे, ये आपका स्पेसिफिक है कि ILO ने क्या बोला है। कितने टाइप के डिस्प्यूट होते हैं? दो टाइप के। एक इंटरेस्ट डिस्प्यूट, जो मैंने बताया था कि उसके इंटरेस्ट को आप हार्म करोगे तो वहाँ पे डिस्प्यूट होगा। एक होता है ग्रीवियंसेस या फिर राइट डिस्प्यूट, जहाँ पे आप उसकी राइट को हार्म करोगे, उसको आप जो उसका हक है उसको आप नहीं दे रहे हो, वहाँ पे कोई डिस्प्यूट आता है तो वो हो जाता है राइट डिस्प्यूट। ठीक है, अगर आप नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इसको याद कर लो कि ILO ने दो टाइप के डिस्प्यूट को डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, अब आ जाते हैं डिस्प्यूट मैनेजमेंट। अब तो डिस्प्यूट आ गया, अब तो चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गए हैं, अब उसको हम क्या करेंगे? ठीक है, दो चीज़ें हो सकते हैं। एक होता है प्रिवेंशन मशीनरी, डिस्प्यूट अराइज होने से पहले ही आप उसको प्रिवेंट कर लो। ठीक है, दूसरा होता है सेटलमेंट मशीनरी। अब डिस्प्यूट आ गया तो क्या कर सकते हैं? तो हम उसको सेटल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले आ जाओ प्रिवेंट करने की बात करते हैं। पहले डिस्प्यूट आया नहीं है, हम सोचेंगे कि ऐसी ऐसी चीज़ें हम करेंगे, ऐसे एक्शंस हम लेंगे कि डिस्प्यूट आए ही ना। ठीक है, तो कौन कौन से वो एक्शंस होते हैं, यहाँ पे देखिए। वर्कर पार्टिसिपेशन, आप वर्कर का पार्टिसिपेशन करवा दो मैनेजमेंट में। ठीक है, अगर आप वर्कर के अकॉर्डिंग काम करोगे, जैसे कोई डिसीजन लेना है, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट में बैठा है, वो भी सजेस्ट कर रहा है, वो भी बता रहा है नहीं ये नहीं वो, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो सिंपल सी बात है डिस्प्यूट नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वर्कर को लगेगा नहीं मेरी बात भी सुनी जा रही है। फर्स्ट हो गया। सेकेंड होगा जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल। जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल क्या होता है? ये इसी की तरह होता है वर्कर पार्टिसिपेशन, बट इसमें क्या होता है, आपका मैनेजमेंट जॉइंट हो जाता है वर्कर्स के साथ, आपके लोअर लेवल के साथ, और एक मैनेजमेंट काउंसिल वो फॉर्म करते हैं, ये विद इन द इंडस्ट्री फॉर्म होता है। ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग, आपका एम्प्लॉय का रिप्रेजेंटेटिव, एम्प्लॉय का रिप्रेजेंटेटिव साथ बैठ के जब नेगोशिएट करता है, बार्गेन करता है कि नहीं हम इस टर्म्स के पे काम करेंगे, नहीं इस टर्म पे होना चाहिए, मुझे इतना आउटपुट चाहिए, मुझे उतनी सैलरी चाहिए मेरे वर्कर को, तो ये होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, नाम से ही लग रहा है। ट्राई पार्टी क्या होती है? ट्राई पार्टीज, इसमें तीन पार्टीज़ होती हैं, एक ऐसा कोई एसोसिएशन जिसमें तीन पार्टीज़ मिल के बैठे हैं। कौन कौन सी पार्टीज़ होंगी? आपका एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई एंड गवर्नमेंट, ये ट्राई पार्टीज होते हैं। COD, कोड ऑफ डिसिप्लिन। कोड ऑफ डिसिप्लिन एक कोड है, कैसे एम्प्लॉयर को वर्क करना है, कैसे एम्प्लॉई को वर्क करना है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर एक एक्ट है, एक लिस्ट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है एक कंपनी को बनाना होता है ऑन द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो ये होता है स्टैंडिंग ऑर्डर। आपने स्टैंडिंग ऑर्डर में ही लिख दो ना कि ये हमारे टर्म्स एंड कंडीशन है, तो डिस्प्यूट होगा ही नहीं, उनको पता है ये यहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं, एम्प्लॉयज़ को पता है तो वो डिस्प्यूट करेंगे नहीं। ठीक है, अब आ जाओ सेटलमेंट मशीनरी। सेटलमेंट मशीनरी में क्या है? दो चीज़ें हैं, विदाउट स्टेट इंटरवेंशन, विद स्टेट इंटरवेंशन। स्टेट इंटरवेंशन क्या होता है? स्टेट मतलब आप गवर्नमेंट समझ लो, तो बिना गवर्नमेंट के इंटरवेंशन, मतलब बिना गवर्नमेंट के क्या बोल सकते, इंटरेक्शन के और गवर्नमेंट के इंटरेक्शन से, अगर गवर्नमेंट इंटरेक्ट नहीं करता, गवर्नमेंट बीच में नहीं आता, तो क्या क्या तरीका हो सकता है? आप कलेक्टिव बार्गेन कर सकते हो, आप साथ में बैठो बार्गेन करते हैं, अब बताओ आपके टर्म्स क्या हैं, हम सुनेंगे, तो ये होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। वॉलंटरी आर्बिट्रेशन, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन क्या होता है? इसमें आप एक पर्सन को हायर करते हो, थर्ड पार्टी को हायर करते हो, और उनसे कहते हो कि आप बताओ क्या करना चाहिए। इसमें अभी कोई आया नहीं, गवर्नमेंट नहीं आई, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं हो रहे, बस आप हायर करते हो कि वो इंडिपेंडेंट पर्सन हो, वो आपकी हेल्प कर देगा, और वो बोल के चला जाता है, दैट्स इट। वॉलंटरी होता है, मतलब आप जाके बुलाते हो, कोई आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा है, हम लोग समझ के विदाउट स्टेट इंटरवेंशन। अब स्टेट इंटरवेंशन, अब यहाँ पे जब स्टेट गवर्नमेंट आएगी तो सिंपल सी बात है चीज़ों को कंपेल करेगी, इम्पोज करेगी, आपको करना ही करना है, इम्पोज किया गया है क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं? कंपल्सरी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बाई पार्टी, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक बाई पार्ट्रेट एसोसिएशन फॉर्म करना है। मतलब बाईपार्टाइट क्या होता है? इसमें एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल आपको फॉर्म करना है जहाँ पे एम्प्लॉयर भी बैठे, एम्प्लॉय के भी रिप्रेजेंटेटिव, दोनों के रिप्रेजेंटेटिव बैठे और नेगोशिएट करें, हर एक डिसीजन में अपना पार्ट लें,
फर्स्ट थिंग, ठीक है। दूसरा होता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपल्सरी कलेक्टिव बार्गेनिंग, मतलब कंपल्सरी आपको करना ही करना है। पहले आप नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो रहा तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, अब जब जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन बनेंगे वो आप कंपल्सरी कलेक्टिव बार्गेन करके ही बनाओगे, ठीक है। फिर होता है कंपल्सरी इन्वेस्टिगेशन, अब कुछ डिस्प्यूट्स हो गए, कुछ कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गए, स्ट्राइक्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, तो क्या होता है कि गवर्नमेंट आपको कहती है कंपल्सरी इन्वेस्टिगेशन यहाँ बैठेगी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी यहाँ बैठेगी, वो जो भी अपने अवार्ड देगी, अवार्ड यहाँ पे बोला जाता है कि जो भी वो उसका प्रोसीडिंग के बाद जो भी उसका अनाउंसमेंट आएगा, जो भी उसके रिजल्ट आएंगे उसे अवार्ड कहा जाता है, वो जो भी अवार्ड देगी उसको आपको मानना ही मानना है, नो मैटर वॉट, ठीक है। ये बात हो गई। फिर आते हैं कंपल्सरी कंसिलिएशन एंड मेडिकेशन। कंसिलिएशन आपको सब कुछ कंपलसरी है, आपको करना ही करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं दिए जा रहे हैं, ठीक है। फिर होता है आर्बिट्रेशन एडजुडिकेशन। आर्बिट्रेशन क्या होता है, मैंने बताया कि थर्ड पार्टी आती है। एडजुडिकेशन में क्या होता है कि आप अब लॉ उसमें जा रहे हो, कोर्ट में जा रहे हो, आप कोर्ट में कहाँ कहाँ जा सकते हो, दो जगह जा सकते हो, लाइक लेबर कोर्ट में जा सकते हो, ये सब जगह आप जाओगे और वहाँ पे जो भी आपको अवार्ड दिया जाएगा, मतलब जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी आउटकम आएगा, आपको फॉलो करना ही करना है, क्योंकि ये कंपल्सरी है और इसमें स्टेट इंटरवाइन कर रही है, पार्ट ले रही है, ठीक है। ये आपको था ओवरव्यू, ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, उसके कॉजेज और कैसे कैसे हम मैनेज करेंगे। इसके दो तीन वीडियोस और बनेंगे, इसको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ये यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। आपको अब आर्बिट्रेशन पता होना चाहिए, कंसिलिएशन कैसे कैसे हम करते हैं वो पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, स्ट्राइक कितने टाइप के होते हैं, स्ट्राइक्स में कौन से लीगल होते हैं, कौन से इनलीगल होते हैं, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको बेसिकली पता होने ही चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहो आवर पेन। ओके, थैंक यू।